पे लोग क्या है कि डेड बॉडीज के साथ रहते हैं, डेड बॉडीज को जैसे अपन जला देते हैं या दफन कर देते हैं वैसा ये लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये है फ्यूनरल सेरेमनी, यहाँ पे ये लोग केवल जब कोई मर जाता है तो 15 मिनट के लिए शोक मनाते हैं बस। गुड आफ्टरनून गाइस, अब टाइम आ गया है गोरंटालो को बाय बाय बोलने का। ये होटल था जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में, यहाँ गोरंटालो से मक्कासार, मक्कासार से थोराजा। थोराजा का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। शी इज गोइंग विद मी इंडिया। आर यू कमिंग इंडिया? नो नो नो। ये गोरंटालो से वो मनाडो से है। तो अभी मैं यहाँ से जाता हूँ यार, यहाँ पे रिसेप्शन पे काम करते हैं लोग। तो अभी चलते हैं यहाँ से मक्कासार के लिए। ये है गोरंटालो बाहर का व्यू कुछ ऐसा, और ये जो होटल है जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था। और ये आ गई भैया हमारी कार। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच गया जो मक्कासार का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम है भंडारा दी जलालुद्दीन एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट का नाम। तो अभी हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। और ये एयरपोर्ट तो काफ़ी खूबसूरत सा एयरपोर्ट दिख रहा है यार। एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है, और बाकी जैसे वामेना वगैरह का एयरपोर्ट था ना, उससे थोड़ा बड़ा भी एयरपोर्ट है। देखिए सी वन यूसी में गैन ब्रो, बाय बाय बोलते हैं भाई को। फिक्स एक घंटा और बचा, एक घंटा और 10 मिनट बचा है, 4:15 पे मेरी फ्लाइट है यहाँ से। यहाँ पे इतना हल्का कागज का ही देते हैं बोर्डिंग पास। हाय, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत हल्के कागज का यहाँ पे बोर्डिंग पास देते हैं। और ये देखो आप एयरपोर्ट यहाँ का। अभी सीधा अपने को चल के फ्लाइट में जाना है, इसलिए मैं यहीं से आपको एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ। भाई साहब गाना गा रहा था। आई एम यूट्यूबर, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। या नाइस टू मीट यू। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, फाइन। आई एम गुड। मक्कासार, मक्कासार देन मक्कासार टू थोराजा। थोराजा, यस। डोमेस्टिक अराइवल, मतलब ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल है भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं हूँ यार मक्कासार। मक्कासार एक सुलावेसी, साउथ सुलावेसी का पार्ट है। कल मैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मक्कासार पहुँच गया था। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्या नाम है यार, थोराजा। थोराजा एक छोटी सी जगह है, छोटा सा टाउन है यहाँ पे इंडोनेशिया के सुलावेसी जो प्रोविंस है उसमें। तो अभी मैंने टैक्सी बुक की है गोजे के यहाँ से। तो अभी मैं एयरपोर्ट जाता हूँ। हेलो, कैलाश, 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 यस। सुल्तान हसनुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाह यार एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो थोराजा का जो वीडियो आएगा ना, जबरदस्त वाला, जबरदस्त आने वाला है। थोराजा का जो काफ़ी यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग हैं जो थोराजा जा रहे हैं। और अब हम चलते हैं हमारी फ्लाइट में। फ्लाइट छोटी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लाइट हमारी, ये थोराजा जाने वाली है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्लाइट में। तो फाइनली हम लोग यार थोराजा, एक घंटे बाद थोराजा पहुँच जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है, तो मैं फ्लाइट के अंदर चल के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। और जो मक्कासार का एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो प्लेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह है, वो भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। सबसे छोटा एयरपोर्ट है, इससे छोटा एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा मेरी लाइफ में। ये आप देखो, वहाँ पे एक लाइन आ रही है, बस ये इतना सा एयरपोर्ट है।
ये फ्लाइट है और ये है तोराजा एयरपोर्ट। और यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गया यार। ये छोटा सा एयरपोर्ट है बस, ये इतना सा एयरपोर्ट है और ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बता दूँ केवल दो दिन में एक फ्लाइट आता है, जो ये हम आए ना इस फ्लाइट में। शोभा शोभा हाय कैलाश, हाउ आर यू? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तोराजा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो यार बाहर से। सो लेट्स गो। Hi, how are you? Fine. Why are you fighting, Sai? So guys, finally हम लोग पहुँच गए तोराजा। तोराजा में सीधा एयरपोर्ट से जो शोभा भाई गाइड है इनके साथ यहीं पे आ रहा हूँ सीधा। Hi guys, I'm Shobha. I live in Rantepa, Toraja. So now we will see some attraction of Toraja. Don't miss it. So अब हम लोग जा रहे हैं तोराजा के कुछ अट्रैक्शन देखने। एक्चुअली तोराजा में आपको बता दूँ कुछ खास स्पेशल कंटेंट, खास स्पेशल वीडियोस दिखाने के लिए आया हूँ आप लोगों को। बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक कल्चर है यहाँ का। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे एक सेरेमनी होती है। यहाँ पे लोग क्या है कि डेड बॉडीज़ के साथ रहते हैं। डेड बॉडीज़ को जैसे अपन जला देते हैं या दफन कर देते हैं, वैसा ये लोग नहीं करते हैं। अब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो एज ए मम्मी क्यों रखते हैं डेड बॉडीज़ को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसी ही एक फैमिली से मिलने जो डेड बॉडीज़ को एज ए मम्मी रखती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको पल्ले पड़ने वाले हैं कि हकीकत कहानी क्या है, आखिर ये इंडोनेशिया का कल्चर क्यों इतना यूनिक है। और ये देखो तोराजा के दीज आर हाउसेज है ब्रदर शोभा भाई, दीज आर हाउसेज। और ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम फैमिली को मिलने जा रहे हैं, लेकिन जो बीच में वो मिलता जाता है वो भी आपको दिखा दूँ। ये जो बड़े वाले हैं ना, ये घर है, और ये छोटे वाले हैं ना, ये राइस स्टोरेज है, इनमें राइस स्टोर करते हैं। अगर दो तीन वीडियो डालूंगा तोराजा के बारे में तो आप लोग सारे के सारे वीडियोज देखना। व्हाट दे आर टेकिंग? हाँ पिग। ओके, तो पिग ले जा रहे हैं यार उसमें। And the 30 of August. Okay, 25 to 30. Yeah. Okay, okay. So, अभी हम लोग जिस पर्सन का फ्यूनरल सेरेमनी देखने जा रहे हैं वो ये लेडीज है, 25 से 30 तक। Our family. यहाँ पे आपको एक पिक दिख रहा है ना, जो इनके रिलेटिव होते हैं ना, जो फ्यूनरल सेरेमनी जो फैमिली कर रही होती है उसके गेस्ट होते हैं ना, वो पिक गिफ्ट करते हैं फ्यूनरल सेरेमनी जो कर रही होती है उस फैमिली को, उनके रिलेटिव्स। ये देखो आपको बहुत सारे पिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये है फ्यूनरल सेरेमनी। यहाँ पे ये लोग केवल जब कोई मर जाता है तो 15 मिनट के लिए शोक मनाते हैं, बस 15 मिनट के वो शोक भरे गीत गाते हैं। उसके बाद ये उस डेड बॉडी को किसी घर में रख देते हैं। इनका मानना ये है कि जो डेड बॉडी है ना वो अभी मरी नहीं है, वो केवल बीमार है और वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो फ्यूनरल होते हैं ना, जो डेड बॉडी है उसके रिलेटिव है। Hot means,
अब मैं जा रहा हूँ आपको बुल फाइटिंग, बफेलो फाइटिंग दिखाने। अभी हम लोग वहाँ पे गए थे यार, जहाँ पे मम्मी सेरेमनी होती है ना, फ्यूनरल सेरेमनी होता है, वहाँ पे जाके आए थे। तो अभी यहाँ पे देखने से ही लग रहा है यार, बफेलो फाइटिंग में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा भीड़ होगा। ये मोटर बाइक स्कूटी वगैरह देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे बफेलो फाइटिंग बुल फाइटिंग देखने के लिए कितना भीड़ होगा। वो आप लोग देख रहे हो कि दोनों के ना, एक के यहाँ पे सींग जो इनके हॉर्न होते हैं ना, सींग वो घुस गए हैं और इतना ब्लड निकल रहा है यहाँ से, दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को। मुझे पहले मज़ा आ रहा था ये फाइटिंग देखने में, बुल फाइटिंग देखने में, लेकिन अब ना मुझे बहुत दया आ रही है दोनों पे। दोनों की गर्दन पूरी कट गई है और दोनों की इतना ब्लड आ रहा है, पूछो मत यार, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। अभी दूसरी जोड़ी आई है लड़ाई करने, लेकिन एक भग गया उनमें से। वो देखो वो बाइक, वो लोगों को मारेगा भाई, वो मारेगा लोगों को, देखो कहाँ चला गया। मॉर्निंग गाइज, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बुल फाइटिंग देखने गया था। एक्चुअली बुल फाइटिंग इसलिए देखने गया था, मेरा ऐसे बुल फाइटिंग वगैरह में कोई शौक नहीं है। एक्चुअली जो मैं यहाँ पे सेरेमनी देखने आया ना, यहाँ पे लोग डेड बॉडीज के साथ रहते हैं। अभी इंडोनेशिया की मैं तोराजा पार्ट में हूँ, साउथ सुलावेसी में, तोराजा कोई सिटी है वहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो बुल फाइटिंग था ना, वो उसी सेरेमनी का एक पार्ट है, तो इसलिए मैं वहाँ पे देखने गया था। बाकी ऐसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बुल फाइटिंग, कितना मतलब ब्लड आ रहा था वो यार। बुल्स थे ना उनके यहाँ पे, उनके वो सींग, बड़े बड़े सींग, वो गर्दन में वो फाइट कर रहे हैं, गर्दन में चुभ रहे हैं, यहाँ पे चुभ रहे हैं बेचारे, कहीं किसी के बगल में यूँ कर दिया। आप लोग सोच सकते हो कि कितना वो दर्दनाक होता होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अभी मैं जहाँ पे जिस तोराजा में जहाँ पे ठहरा हूँ ना, जहाँ पे मेरा स्टे है, वहाँ का एक बार लुक दे देता हूँ आपको, वहाँ का एक बार आसपास का जो नज़ारे है ना वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो शायद यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, वो देखो ऊपर वो क्रॉस साइन बना हुआ है। और ये होटल की शायद प्रॉपर्टी है मुझे ऐसा लगता है, गार्डन है। तो अभी तो कोई मतलब है नहीं, बारिश हो रहा है यहाँ पे। और सामने देखो बदल और माउंटेंस, ये इधर है जो मार्केट है और ये हमारा होटल है। और आप जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज अपना, उसको भी फॉलो कर ले, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आता रहता है। क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियो काफ़ी लेट आता है, कभी 5 दिन 10 दिन महीना भर भी लेट हो जाता है एडिट करने में, या फिर टाइम नहीं मिल रहा ट्रेवलिंग के चक्कर में एडिट करने में। इंस्टाग्राम पे तो तुरंत फोटो लिया, स्टोरी बनाई, रील डाल दिया। तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है। और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, अपना फेसबुक पेज है। तो मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।